गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 10th क्लास के लिए और पीछे बेस्ट नंबर सिस्टम और परसेंटेज पे तो वीडियो निकाल चुका हूँ और उन पर मुझे बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट मिला। अब मैं रीट, पटवार और SSC बैंक इनके लिए टॉपिक वाइज हर चैप्टर पे मैं दो तीन वीडियो निकालूँगा। फर्स्ट मैं रीट के लिए निकालूँगा, उसके बाद में सेकेंड जो वीडियो होगा वो हमेशा उस पटवार के लिए होगा, उसके बाद में बैंक PO SSC के लिए होगा। तो मेरा फर्स्ट चैप्टर, जैसे रीट का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो उसका फर्स्ट चैप्टर है, वो घात और घातांक है, घात और घातांक है। उस पर मैं आज वीडियो निकाल रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मेरा रीट के लिए होगा, उसके बाद में सेकंड वीडियो आएगा वो SSC और पटवार, SSC पटवार बैंक PO इनके लिए होगा। थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे और जो रीट लेवल है उसमें आपको पता होना चाहिए कि एट तक की ही मैथ्स आती है। रीट लेवल में एट तक की मैथ्स, नॉर्मल आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आज हम घात और घातांक के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। घातांक क्या होता है? किसी संख्या पर घात लगाना एक गणितीय संक्रिय है। किसी संख्या पर घात लगाना एक गणितीय संक्रिय है जिसमें किसी संख्या का लगातार अपने से दो या दो से अधिक बार गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या की घात कहलाती है। जब n धन संपूर्णांक है, जब n धन पूर्णांक होता है तो घातांकन a का स्वयं से बार बार दो बार गुणा करना, दो बार या तीन बार गुणा करना, वो क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। जैसे a गुणा a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, उसको n बार गुणा n बार, कितनी बार? n बार। इसका मतलब a कितनी बार है? n बार। तो a की घात n। अब नंबर सिस्टम में देखते हैं, इसको नंबर में लिख के देता हूँ। ये आपको एक वेरिएबल में लिख दिया तब आपके कम समझ में आएगा। जैसे मान लो एक कोई मतलब संख्या है, जैसे दो गुना दो को दो से ज़्यादा बार लिखा, कितनी बार लिखा? एक दो तीन चार पाँच, दो की घात दो कितनी बार है? पाँच बार है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, दो की घात पाँच हो गया। ये क्या हो गया? दो की घात पाँच। यहाँ इसमें दो क्या है? दो क्या आधार है, दो क्या आधार है और पाँच क्या घात है, पांच के घात है। ये नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि इसमें घात कौन सी आधार कौन सा है। उसके बाद में हम घातांक रूप में लिखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसके रूल भी पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि दो की घात तीन का मान क्या होगा, दो की घात तीन का मान क्या, इसका मतलब दो को कितनी बार लिखना है गुणा में? तीन बार लिखना है। तो दो दो चार चार गुना, दो की घात तीन का मान क्या हो गया? आठ हो गया। दो की घात तीन का मान कितना हो गया? आठ हो गया। अब छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 6 to 8 क्वेश्चन है आपके, जो 6 to 8 तक की मैथ्स है उसमें से क्वेश्चन आएंगे रीट में। तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया 64 को तो घातांक रूप में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा। आप वो एक मेरे गुरुदेव है, वो बोलते हैं कि रीट वही फाइट कर सकता है जो अपने आप को कमज़ोर समझता है या फिर अपने आप को बिल्कुल बड़ा इंसान समझता है। ज़्यादा चॉकलेट इंसान होगा, ज़्यादा सियाना इंसान होगा, वो रीट को छोटे पेपरों को सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़्यादा अपने आप को सियाना समझेगा, सियाना समझेगा तो सीधी सी बात है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गहराई में चला जाएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल की क्वेश्चन मिलेगा छोटों को छोड़ देगा और इजी मेथड में कहीं काम नहीं करेगा। 64, तो पहले 64 को घातांक रूप में लिखना है। तो 64 का आपको क्या करना चाहिए? गुणनखंड करना चाहिए, गुणनखंड टुकड़ा। कल मैंने एक से बोला था, वो डायलॉग बोला था कि इतना तोड़ूंगा कि अगर भी क्या होगी नजार तक में बदल जाएगी। 64 का गुणनखंड करेंगे, दो का भाग देंगे। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्याओं से उसके टुकड़ा करना। दो का भाग 16 बार गया, दो का भाग 8 बार, दो का भाग जाएगा 4 बार, दो का भाग 2 बार, दो का भाग 2, 3 बार, कितनी बार हो गया? दो ही बार। अच्छा, दो ही बार, दो को कितनी बार लिखेंगे? दो गुना ये होगी इसका घातांक। दो कितनी बार है? 6 बार, दो ही बार। अच्छा, ये इसको घातांक रूप हो गया। तो घातांक रूप लिखना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा और उसके बाद में उसको देखना पड़ेगा कितनी बार है। दो की घात 6 हो गया, इसका घातांक रूप क्या हो गया? दो की घात 6। और इसका विस्तारित रूप कौन सा हो गया? दो की घात 6 का, दो की घात 6 का विस्तारित रूप ये हो गया। तो दो की घात 6 का मान क्या हो गया? 64 हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, इसमें घातांक रूप आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी संख्या बड़ी है? दो आपको दो संख्या दे देंगे, 3 की घात 4 और 4 की घात में, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में कौन सी संख्या बड़ी है? ऐसे तीन चार दे देंगे,
जैसे 4 GB 3 और 3 GB 4 और 3 GB 2 और 2 GB 5, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, या आरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में लिखे, छोटे से बड़ा क्रम, तो आपको क्या करना चाहिए, इनको विस्तारित रूप में लिखना चाहिए, इनकी वैल्यू देखनी चाहिए। 4 GB 3 का मतलब हुआ 4 × 4 × 4, इसका मतलब हुआ 4 × 4 = 16, इसका मतलब 64। और 3 GB 4 का मतलब हुआ 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हो गया 81। विच इज ग्रेटेस्ट, ये बड़ा होगा। 81 क्या है, 64 से बड़ा है, 81 64 से बड़ा है, इसका मतलब 3 की घात 4 किससे बड़ी है, 4 की घात 3 से, 3 की घात 4 किससे बड़ी है, 4 की घात 3 से बड़ी है। अब इसके हम रूल पढ़ेंगे, जैसे या कि एक क्वेश्चन और कर देते हैं, सरल कीजिए, रूल पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है सरल करना, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे 3 × 10³ को सरल कीजिए, या इनका मान क्या होगा, 3 का 3 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 3 की घात 1 है, तो 3 × 1 3 × 10 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 10 × 10 × 10, ये हो गया 1000, 3 × 1000 3000, ये होगी वैल्यू। ये सॉल्व छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसके बाद में घातांक नियम क्या पढ़ेंगे, घातांक के नियम, घातांक नियम याद रखना, एक एक पूर्णांक ले लो, एक 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 कोई संख्या है धनात्मक पूर्णांक ले लो, यदि ए आधार ए की घात एम, मतलब ए आधार है एम क्या है उसकी घात है और ए की घात है, गुणा या गुणा है, आधार सेम है घाते अलग अलग है, तो याद रखना आधार सेम हो घाते अलग अलग हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, जैसे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 6, तो आधार तो सेम है, इसका मतलब 2 का 2 रहेगा और घाते जुड़ जाएगी, 5 + 6 = 11 हो जाएगी, 2 की घात 11 हो जाएगी। उसके बाद ये पहला फॉर्मूला शो हो गया, उसके बाद में सेकेंड, जब घाते 12 ए की घात एम गुणा ए की घात एम, या फिर आप ऐसा लिखो ए की घात एम बटा ए की घात, इसका मतलब क्या है बाकी, तो यहाँ घाते बाद में घाते घट जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 5 की घात 3 और 5 की घात 6, तो घाते आधार क्या है 5, तो 3 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 की घात -3 बचेगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 की घात -3 घाते घट जाएगी, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके बाद में हो गया, उसके बाद में तीसरा, यदि ए की घात एन होल पावर एन, तो यदि होल पावर एन है तो ए का एक आधार, आधार क्या ए है, तो ये क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, एन गुणा एन, जैसे 2 की घात 3 और होल पावर 2, तो देखो ये क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 2 की घात 3 × 2 क्या हो जाएगी, 2 की घात 6 हो जाएगी, ये गुणा हो जाएगी होल पावर एन। उसके बाद में चौथा नियम यह होगा, चौथा नियम क्या होगा कि ए की पावर, जैसे ए और बी, ए गुणा बी, ए बी का मतलब ए गुणा बी, ये दोनों आधार अलग अलग है और दोनों की घात सेम है, तो इनको आप अलग अलग देख सकते हो, ए की घात भी एन है और बी की घात भी एन है, इन दोनों को अलग अलग देख सकते हो। उसके बाद में इसका पांचवा नियम क्या है, ये तो गुणा भी था, ए गुणा, और यदि ए बट्टा बी और इन दोनों की कॉमन पावर एन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए की घात एन बट्टा बी की घात एन, दोनों की अलग अलग घात लिख सकते हो, दोनों की कॉमन पावर भी, तो आप इन दोनों की अलग अलग पावर हो जाएगी, ए की पावर एन और बट्टा बी की पावर एन हो जाएगी। उसके बाद में छठा नियम के ऊपर लिखता हूँ, छठा नियम ये है, जिससे कोई भी संख्या, जैसे मान लो आधार को भी ले लो, जैसे हजार, हजार की घात 0, कोई भी संख्या की घात 0 हो जाएगी, इसका मान क्या है, एक, समान क्या हो जाएगा, ये 6-7 नियम हैं, इस घातांक नियम है, उनको आप यदि आप ध्यान में रख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके, एक और बता देता हूँ, कोई भी संख्या जैसे ए की घात -1 है, तो इसको प्लस करना है, तो आप क्या लिखोगे, ए बटा ए की घात ए, उसका व्युत्क्रम कर दोगे, उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, कैसे, जैसे 5 की घात -2 है, तो 1/5 की घात क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, विक्रम करते ही उल्टा करते क्या हो जाएगी, घात प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने इसका स्क्रीन शॉट देख लिया होगा उम्मीद है, जिससे कुछ आपको नियम बताता हूं, एक जब आधार एक प्लस का एक हो
और उसकी बात कोई भी नंबर जैसे 1000 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, करोड़ ले लो, अरब ले लो, मिलियन ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसका आंसर क्या है? एक है। प्लस वन की बात यदि हम कुछ भी लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, इसका मतलब आंसर क्या है? वन आना है। उसके बाद में यदि माइनस वन की बात इवन नंबर का मतलब जैसे दो का भाग जाने वाली संख्या, जैसे एक की बात माइनस एक की बात है 24, तो यहाँ क्या है 24 में दो का भाग रहता है, जैसे 1000 रुपये, तो इसका आंसर क्या आता है? प्लस वन आएगा। एक की बात कुछ भी हो आंसर क्या है? प्लस वन आएगा। लेकिन यहाँ बात इवन और ओड का इशू रहेगा, माइनस का वन होगा तब और इवन और ओड का इशू रहेगा, तो सम और विषम संख्या, यदि सम संख्या होगी तो आंसर क्या आएगा? माइनस वन का आंसर क्या देगा? प्लस वन आ जाएगा। और माइनस वन की बात विषम होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस वन आएगा। जैसे एक की बात माइनस तीन है, एक की घात माइनस वन की घात तीन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस वन आएगा। और एक की घात चार कर देते हैं सम होगी, तो प्लस वन आता है। ये बातें आपको और ध्यान में रखनी है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सेवन क्लास के मुक्ताएं हैं, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सेवन क्लास के मुक्ति हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है घातांक के रूप में, घातांक के रूप में लिखना है। तो 5 × 5 गुना टी गुना टी गुना टी, 5 कितने टाइम है? 2 टाइम, तो घात कितनी हो जाएगी? 2 बार। गुना टी कितनी बार है? 3 बार है, तो ये हो गया इसका घातांक। टी कितनी बार है? 3 बार, ये सेट हो गया। जैसे 7 × 7 गुना पी गुना एक्स पी गुना जेड गुना जेड, यहाँ 7 क्या है? कॉन्स्टेंट नंबर है। 7 कितनी बार है? 2 बार है। पी कितनी बार है? 1 बार है। तो 7 का स्क्वायर गुना पी गुना जेड स्क्वायर, इसको ऐसे भी ले सकते हो 7 का स्क्वायर जेड स्क्वायर और पी, ये इसका घातांक रूप है। घातांक रूप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब उसके बाद में एक मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए माइनस वन की घात, माइनस वन की घात 1000, और एक है माइनस, तीसरा ये माइनस 5 की घात 4। एक की घात माइनस वन है, माइनस वन की घात यदि सम संख्या में होती तो आंसर क्या था? प्लस आता। और यदि विषम संख्या में, यहाँ क्या है 3 विषम है, और यदि प्लस वन होता तो आप चाहे विषम हो चाहे सम हो डायरेक्ट क्या आएगा? आंसर बना जाएगा। लेकिन माइनस वन हो उसकी घात विषम में दे रखे तो आंसर क्या आएगा? माइनस वन है। घात कुछ भी हो, लेकिन देखो या माइनस वन की घात सम में दे रखे, सम एक घात क्या है? एक घात सम होता है, तो माइनस वन की घात सम में दे रखे तो आंसर कटेगा प्लस। अब माइनस फाइव को ऊपर घात क्या दे रखे? 4 दे रखे। 4 क्या होता है? सम होता है, तो आंसर सम होता है। यदि घात सम दे रखी है तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो माइनस फाइव गुना माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, तो आंसर क्या है? प्लस का है। यदि घात सम में दे रखी है, विषम में दे रखी है, यदि माइनस के नंबर की घात यदि सम में दे रखी है तो आंसर प्लस में आना है, और विषम में दे रखी है तो आंसर क्या है? माइनस में। अब देखो 5 × 5 25 नहीं, 5 से गुना करेंगे 125, तो ये होगा 625। आंसर क्या होगा? 625 होगा। ये छोटे छोटे रूप में था, अब थोड़ा बड़े क्वेश्चन करेंगे। ये नॉर्मल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे सन की ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन होता है 3 की घात 7 गुना 3 की घात 9, सारे फॉर्मूले यूज करेंगे टोटल के टोटल, 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 गुना 6 की घात 6, उसके बाद में 6 की घात 5 लिखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है a की घात 2 की घात 5 और घात 4, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है 9 की घात 3 और घात 0। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है दोनों आधार सेम है, दोनों आधार क्या है? 3 की घात 7 और 3 की घात 9।
आधार से ए की घात, ये फॉर्मूला इसी मतलब है, ए की घात एन गुणा ए की घात एन, ए की घात ये दोनों एक जैसे, इसका मतलब ए ए दोनों जगह ए है और यहाँ क्या है एम, घात अलग है दोनों की, इसका मतलब ए की घात एन गुणा ए, तो घाते गुणा में आधार से है तो आधार का आधार है और घाते गुणा में क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तीन सात और नौ सोलह होती है, तीन घात है सोलह। अब इस क्वेश्चन को ये हो गया फर्स्ट वाला हो गया, अब इसका सेकेंड देखिए, आधार सब में सह यहाँ क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो घाते आधार सह में आधार समय आधार कितना छः, छः का छः यहाँ गुणा है चार और दो क्या है गुणा में, तो चार और दो कितनी की घात होगी छः, और यहाँ पे भी आधार समय तो छः का छः है कोई दिक्कत नहीं, बाघ है बाघ है इसका मतलब क्या हो जाएगी ये पाँच घात माइनस हो जाएगी, छः की घात एक, छः की घात एक का मान क्या होगा छः रुपये, छः गुणा छः को एक बार लिखना है समझो, इसका मान हो गया छः। अब आपका ये फॉर्मूला ऐसा मिल रहा है आधार क्या है ए मान लेते हैं इसको ए हो गया और घात एम और गुणा एन और पावर है, इसको आपने क्या किया इन दोनों को गुणा किया था एन गुणा एन, तो ये घाटें क्या हो जाएगी गुणा में हो जाएगी, दो की घात पाँच गुणा चार कितनी होगी दो की घात बीस, सर्व करना था नहीं किसका मान निकालना, ये लो दो की घात बीस होगी। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी घात जीरो हो उसका मान क्या कहता है ए की घात जीरो, उसका मान क्या था ए, आधार कुछ भी हो उसकी घात जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है आपका मान क्या आएगा ए आएगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे करते हैं, जैसे 25 की घात नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए, सरल कीजिए इसके क्वेश्चन क्या है तीन तीन तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके जो ड्रॉ में से होंगे, तीन की घात दो होल का तीन, उसके बाद में तीन की घात चार बेस्ट ब्रेकिट क्लॉज एंड तीन की घात सात। अब ये ड्रामा से लग रहा है कि इसको कैसे जिनके मैथ्स नहीं होती है जैसे बायोलॉजी के हैं उनकी ये प्रॉब्लम आ जाती है या ये ड्रामा से लग रहा है कुछ नहीं है, देखो ये देखो ए की पावर एम गुणा ए की पावर एम वाला फॉर्मूला ये दोनों बातें गुणा हो जाएंगी, तो इसको सोल्व किया तीन की घात क्या होगी छः होगी गुणा तीन की घात चार तीन की घात सात, सीधी सी बात है आधार छः में तो आधार तीन लिखा तो यहाँ गुणा में तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं छः चार दस, और यहाँ भाग है तो ये भाग माइनस हो जाएगी तीन की घात तीन हो जाएगी, तीन की घात तीन का मतलब क्या होता है तीन को तीन बार लिखना गुणा में तीन गुणा तीन गुणा तीन ये हो जाएगा सत्ताईस, दूसरा क्या हो गया सत्ताईस दूसरा सत्ताईस हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इसका प्रकार कि जो आपकी समझ में नहीं आएगा, सारी क्वेश्चन करवा दूंगा टोटल की टोटल, तीन की घात नौ गुणा ए की घात छः, उसके बाद में नौ की घात दो गुणा ए की घात तीस। अब इसको देखो यहाँ आपको एक को कॉन्स्टेंट नंबर दे रखे हैं वेरिएबल दे रखे हैं वेरिएबल को चार और चल का आपका प्राइस, तो तीन या तीन या नौ है, नौ को कैसे लिखना है तीन के रूप में बड़ा होगा तीन की घात नौ का नौ ए की घात छः का छः, यहाँ हम नौ को कैसे लिख सकते हैं तीन गुणा तीन लिख सकते हैं, इसका मतलब नौ का मतलब क्या हुआ तीन की घात दो हो गया तीन की घात दो गया, तो नौ को मैं क्या लिख सकता हूँ तीन की घात दो लिख सकता हूँ, नौ को क्या लिखा तीन की घात दो ऊपर वो पावर कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी एक की घात तीन। अब देखो ये तो बात कितनी की दो गुणी चार, तो यहाँ कितनी है नौ आधार कितने तीन है आधार से ऊपर क्या है नौ नीचे कितने दो गुणी चार घात भाग में भाग में तो इसका मतलब क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये नीचे चार है इसका मतलब तीन की घात नौ भाग तीन की घात चार दो गुणी चार हो जाएगा बाघ में घाती घट जाती है, तो आधार हमेशा हमेशा लिखना दोनों का आधार कितना है तीन नौ माइनस चार गुणा यहाँ कितना है आधार ए घात कितने छः नीचे कितने नीचे इसका मतलब भाग है तो घाती घट जाती है, तो ये हो गया तीन की घात पाँच गुणा ए की घात तीन, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम जैसे छः की घात इनका मतलब क्या हुआ चार की घात कोई भी संख्या उसकी घात जीरो हो जाए इसका मतलब एक हो एक गुणा एक गुणा ऐसे क्या है एक बार दिखने में छोटा दिख रहा है हो सकता है कई बार काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे कन्फ्यूज करने के लिए हम कई बार है ना इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं देखते नहीं है मल्टीप्लाई का सिंबल है एडिशन का सिंबल और कॉन्फिडेंस में आंसर वन दे रखा है तो आपने ये बढ़ाया स्कूल दैट ये बढ़ावा है और वहाँ आपको ऐसा दे दिया कि चार की घात जीरो
पाँच की घात जीरो और प्लस में दे दिया। आपने पढ़ा कि एक 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 होगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक एक्स पर आ जाएगा, ये बड़ा हुआ है। आपने ये सिंबल नहीं देखा, सिंबल देखना बहुत जरूरी है। यहाँ वन हो गया, यहाँ पे भी वन हो गया, यहाँ पे भी वन हो गया, ये टोटल कितना हो गया। यहाँ माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब ये हो जाएगा दो माइनस एक, एक हो जाएगा, दो माइनस एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से बड़े टाइप में क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो की घात तीन गुणा सात की घात दो गुणा तेरह की घात आठ गुणा छप्पन गुणा तेरह की घात सात। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ देखो, दो छप्पन का पहले तो हमें छप्पन एक बड़ा नंबर आ रहा है जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करेंगे। दो का भाग दिया अट्ठाईस, दो का भाग दिया चौदह, दो का भाग दिया सात, सात का सात बार, दो कितनी बार है तीन बार। ऊपर कितना है दो की घात तीन, देखो दो की घात तीन ऊपर पे एक बार वैसा वैसा लिखते हैं, और तेरह की घात है नीचे कितना है छप्पन का ऊपर दो की घात है तीन, और सात की घात कितनी आ रही एक, और गुणा तेरह की घात सात। अब देखो आधार एक जैसे आधार वाले को पंद्रह करते हैं, दो आधार है दो है दो का दो, यहाँ बाद में है तो तीन माइनस तीन बाद में घातें घट जाती हैं, तीन माइनस तीन ऊपर तीन है घात नीचे भी तीन है, तो आधार सेम है तो आधार का आधार लिख दिया, उसका बाद में सात की घात दो है और नीचे कितने सात की घात एक, आधार एक ही बार लिखना है बाद में हो चाहे गुणा में दोनों आधार एक जैसे हो तो एक ही बार लिखना है, सात का सात लिखा ऊपर घात दो थी और बाद में तो घाटें घट जाएगी। तेरह की घात आठ, तेरह आधार दोनों सेम है बाद में इसका मतलब आठ माइनस सात, तो ये तीन दो की घात क्या होगी जीरो गुणा सात की घात क्या होगी एक होगी गुणा तेरह की घात कितनी होगी एक होगी। अब ये दो की घात जीरो का मतलब क्या हुआ एक, और सात की घात एक का मतलब हुआ सात, और तेरह की घात एक का मतलब हुआ तेरह, तो तेरह को सात से गुणा किया इक्यानवे, और एक से इक्यानवे गुणा करेंगे इक्यानवे। तो आपको इसका सरलीकरण करना था, मैं इसका वैल्यू निकालनी थी, ये आपका इसका सरलीकरण हो गया इक्यानवे हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, तीन की घात दो होल पावर थ्री गुणा पाँच की घात तीन, नौ की घात दो गुणा पच्चीस। ये देखो कैसे करेंगे इसको, इसको ऐसे करेंगे, ये देखो घात होल पावर है इसका हमको तीन की घात कितनी होगी छः, तीन की घात कितनी होगी तीन हुई, ये दो दो गुणा तीन छः होगी गुणा पाँच की घात है ये नौ, नौ को आपको पहले भी बताया था तीन की घात दो लिख सकते दो, पहले देखो इस नौ को ब्रैकेट में लिखते तीन की घात दो, उसके ऊपर देखो नौ नौ को क्या लिखते हैं तीन की घात दो, ऊपर कितनी घात है दो है तो दो की घात पच्चीस, पच्चीस का मतलब क्या हुआ पच्चीस का मतलब होगा पाँच गुना पाँच, पाँच गुना तो उसको घातांक में लिखती पाँच की घात दो हो जाए या पाँच की घात दो। आधार देखो यहाँ तो तीन की घात छः या कितनी है तीन की घात छः के ऊपर, और नीचे कितनी है तीन गुणी दो गुणी चार, यहाँ पे भी आधार सेम है इसका मतलब तीन का तीन आधार का आधार लिखा छः ऊपर के नीचे भाग में इसका मतलब घातें बन जाएगी दो गुणी चार चार गुणा ऊपर पाँच की घात कितनी है आधार दोनों सेम है तो एक बार लिखोगे तीन का तीन, और तीन में से दो ये घात घट जाएगी भाग में इसलिए, तो तीन की घात कितनी होगी छः में से चार की दो, और पाँच की घात कितनी हो जाएगी तीन में से एक दो जाएगा एक बचेगा, तीन की घात दो का मतलब होगा नौ और पाँच की घात एक का मतलब हो गया पाँच, नौ गुणा पाँच कितना हो गया पैंतालीस हो गया, नौ गुणा पाँच कितना हो गया पैंतालीस हो गया, नौ गुणा पाँच कितना हो गया पैंतालीस हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से आपके इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब थोड़े से टफ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, थोड़े से टफ, और मैं ये बता देता हूँ जो आपकी आर एस अग्रवाल की बुक है उसके सारे क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, टोटल के टोटल जो आपके कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। एसएससी बैंक यू, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे तो मुझे उम्मीद होगी मैं आगे से आगे वीडियो बनाता जाऊँगा, और मुझे निराशा आत लगेगी लेकिन तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, टेंशन मत लो, मुझे एक व्यूज मिलता रहेगा मेरा खुद का तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मुझे खुद मैं खुद देखता रहूँगा, कोई परवाह नहीं है, मुझे करना एक डेढ़ साल दो साल जितनी मैं जहाँ तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं ये आपको फ्री सर्विस देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देख के आप भी इसमें प्रॉफिट मिलेगा आपको भी। अब एक क्वेश्चन है, एक की घात चौंसठ है माइनस दो बटा तीन, उस सरल कीजिए
एक बटा दस, याद रखना ऐसी संख्या कोई भी बड़ी संख्या है उसका पहले आपको क्या करना चाहिए, गुणनखंड करना चाहिए। एक बटा चौसठ, मैं बता देता हूँ एक बटा दो की फॉर्म बनेगी चौसठ, तो चौसठ का गुणनखंड करेंगे दो का भाग लेंगे बत्तीस, बत्तीस का मतलब होता है दो की घात पाँच हो गया, तो दो की घात पाँच ये होगी दो की घात छः, दो की घात छः और माइनस दो बटा तीन क्या होगी दो की घात एक बटा दो की घात छः, चौसठ नंबर एक बटा दो की घात छः हो जाएगी माइनस दो बटा तीन हो जाएगी, ये समझ में आया। अब यदि घात बटा में हो उसको यदि आपको इसका व्युत्क्रम करना है उल्टा करना है तो दो का दो और घात क्या हो जाएगी नीचे है तो माइनस हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको यदि आपको धनात्मक रूप में लिखना है तो एक बटा दो की घात छः हो जाएगी। अब इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं क्योंकि ये घातें कट जाएंगी, अब ये होल घात में तो होल घात में तो क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। अब देखो माइनस देखो दो का दो माइनस इंटू माइनस प्लस छः गुणा दो बारह, बारह में तीन का भाग हो जाएगा दो की घात कितनी हो जाएगी चार, दो की घात चार का मतलब हो गया सोलह, दो को चार बार लिखोगे तो क्या आएगा सोलह आएगा। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट का सेम इक्वेशन है चौसठ की घात माइनस एक बटा छः, अभी चौसठ का आपने क्या किया था दो की घात छः किया था और माइनस एक बटा छः, अब ये कैसा बन गया ए की घात एम गुणा ए की घात एम बड़ा फॉर्मूला बन गया ए की घात एम गुणा एम, ये घाते गुणा में आ जाएंगे तो दो का दो छः गुणा माइनस एक बटा छः, छः से छः कैंसिल आउट हो गया दो की घात माइनस वन, दो की घात माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो एक बटा दो नहीं लिख सकते क्या, एक बटा दो की घात एम हो जाएगी। प्लस में लिखना चाहो तो ये होगा माइनस में जैसा जैसा ये लिखना चाहो तो वैसा ये आंसर सही है, और प्लस में लिखना चाहो तो एक बटा दो की घात एक, कई बार ऑप्शन अलग अलग मिल जाते हैं तब आपको दोनों देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊंगा। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बैंक की नौकरी है, पुलिस है, फौज है या फिर पटवार है, एसएससी है, इनके सारे आपके कोई भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं जाएगा। मैं मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00032 ठीक है, ठीक है, और पाओ कितनी है इसकी बोल पाओ 0.6 इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए। पहले देख लीजिए देखो ये क्या है दशमलव नहीं देगा, दशमलव हटाना देगा तो ये 32 का 32 लिखा और दशमलव हटाने के लिए आपको यहाँ से काउंट करनी कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 पाँच जीरो लिख दो 32 बटा 10 होगा 1,00,000 और घात क्या हो जाएगी 0.6 इसको आप 6 बटा 10 कह सकते हो, 0.6 बटा 10 हो। अब 32 का गुणनखंड करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे तो 32 का गुणनखंड करेंगे 32 का गुणनखंड ये होगा 2 की घात 5, 2 को 5 बार 32 का गुणनखंड करके अभी 64 का किया था तब आपको पता है 2 की घात 6 आई थी तो 32 बटे 2 64 तो एक घात कम हो जाएगी 2 की घात 5 और ये कितने हैं कितने जीरो 1 2 3 4 5 जितने जीरो होते हैं उतनी 10 की घात हो जाती है 10 की घात 5 और घात 6 बटा 10 ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब पहले तो ये देखो ये 2 के पार्ट से कट गई 3/5 हो गई 3/5 2 की घात 5 2/10 की घात। अभी एक फॉर्मूला लिखा था a की घात n बटा b की घात n, इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो a बटा b की घात कॉमन पावर क्या आ जाएगी दोनों में आ जाएगी तो 2/10 की कॉमन पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, दोनों की घात 7 है इसका मतलब 5 आ जाएगी, गुणा में क्या है गुणा में 3/5 है 5 से 5 का हो गया तो क्या आया 2/10 थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 2/10 की घात घात क्या आ गई ओनली 5 से 5 का हो गया 3 आ गया तो 2 को 3 बार लिखना है 10 को भी 3 बार लिखना है 2 × 2 × 2 × 2 और 10 × 10 × 10 ये हो गया 8/1000 या तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी ये आपको डेसिमल में मिलेगा 8 8 कौन सा लगाना है कितने डिजिट बाद में 3 डिजिट बाद एक तो ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया पॉइंट लगा दिया ये डेसिमल में आपका रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इजी क्वेश्चन है 625 घात 6.25 गुणा 25 की घात
2.6 625 घात 6.75 गुणा 5 की घात 1.2 की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन इसमें आपको घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। याद रखना लगभग आपको आधार सेम बना लेना, आधार सेम बन जाएगा, उसके बाद में कोई घातांक नियम लग जाएगा, किसी में माइनस करना पड़ेगा, बाद में तो माइनस करना पड़ेगा, और यदि मल्टीप्लाई में तो एडिशन करना पड़ेगा। इसमें बहुत इजी है, तो 625 का मतलब पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात 4 आ जाएगा, 5 की घात 4 आ जाएगा, आपको गुणनखंड आना चाहिए। 625 का करते हैं आप, विभाजकता नियम आता है, 2 का भाग मिल जाएगा, 3 का भी मिल जाएगा, 6 2 8 का 13 3 का भाग मिल जाएगा, 5 का जाएगा 125 बार, 125 का मतलब होता है 5 25 5 5 की घात कितनी होगी? टोटल 4, और ऊपर घात कितनी है? 6.25। तो इसमें यहाँ 25 का मतलब भी आप 5 में ही कन्वर्ट करो, 25 का मतलब क्या होता है? 5 की घात 2 ऊपर घात कितनी होल पावर 2.6। अब नीचे 625 का मतलब 5 की घात 4 गुणा 6.75, तो यहाँ 5 की घात कितनी होगी? 1.2। आधार सब सेम हो गया, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये देखो ए की घात एम, ये फॉर्मूला था ना, ए की घात एम और पावर एम, तो ये घात ये गुणा हो जाएगी, ये गुणा हो जाएगी, इनको गुणा करके ही होगी, तो 5 यहाँ गुणा होगी 6 को 4 को 6.25 से गुणा करेंगे, 6.25 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्या आ जाएगी? 5 की घात 25। तो यहाँ क्या रहेगा? 5 की घात 6, 2.6 से यदि 5 है 2 से गुणा करते हैं तो 5.2 हो जाता है, यानी कि 5 की घात क्या हो जाती है? 5 की घात क्या हो जाएगी यहाँ? अच्छा 5.2 हो गया, यहाँ हो जाएगी 28। 4 से गुणा करते हैं 6.75 से तो 28 हो जाएगी, गुणा 5 की घात 1.2। अब सब सेम है, आधार भी सेम है, आप घाते यहाँ तो गुणा में नहीं, यहाँ बात है तो ऊपर देखो, ये गुणा में इसका मतलब आधार क्या है? दोनों का 5 है, 5 का 5, तो गुणा में तो घाते जुड़ जाएगी, 25 + 5.2 कितनी होगी? 30.2 होगी, तो नीचे जाते नीचे तो गुणा में नीचे, तो 28 5 आधार क्या है? 5 है, तो घाते गुणा में इसका मतलब जुड़ जाएगी, 28 और ये हो जाएगी 1.2, 28 और 1.2 कितनी हो जाएगी? 29.2, ये 27 और 1.2 28.2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 28.2। अब इन दोनों का आधार सेम है, आधार कितना है? 5 है, और ये क्या है? दोनों संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है? बाद में घाते घट जाते हैं, 30.2 में से आपको क्या घटाना है? 30.2 में से 28.2 घटाना है, तो 5 की घात 30.2 में से 28.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 25। आपको क्या करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गया तो आपको ये रूल आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं बता देता हूँ, कोई भी आप यूट्यूब का वीडियो देखना, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, आपको कुछ फॉर्मूले लर्न नहीं चाहिए, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर क्या है? 25 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 की घात 3 गुणा का सिंबल 3/5 की घात माइनस 6 बराबर 3/5 की घात 2x माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या थी? ऐसा क्वेश्चन रहेगा, या फिर आपको एक ऐसे समीकरण दे देंगे कि 2/5 एक्स की घात घात एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या थी? तो पहले आपको एक्स की वैल्यू क्या थी? यहाँ देखो आधार सेम है, यहाँ तो गुणा है, और इस साइड वाला यदि LHS में RHS में देखेंगे इसका मतलब इसमें भाग लग जाएगा, यदि LHS और RHS अलग अलग दे रहे हैं, दोनों सेम है, तो RHS का मतलब क्या होता है? इसमें भाग देना होता है, तो यहाँ आधार कितना है? 3/5 है, 3/5 है, यहाँ गुणा में है ये दोनों संख्या, देखो ये गुणा में, इसका मतलब 3 प्लस और माइनस 6 ये घातें जुड़ जाएगी गुणा में, तो बराबर में क्या? 3/5 और ये 2x की घात माइनस 1। अब 3/5 का 3/5 और 3 में से माइनस है, 3 प्लस माइनस क्या हुआ? -6 हो गया, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 और बराबर में क्या है? 3/5 घात क्या होगी? 2x माइनस 1।
अब जब आधार समान हो, एक इसका रूल है, जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होती है। तो आपको आधार समान है तो आधार को छोड़ दो, बराबर क्या हुआ 2x - a। अब आपको इसका पक्षांतर करना है, देखो 2x का 2x पड़ा है तो माइनस वन को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन, तो माइनस थ्री में से प्लस एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन और बराबर 2x। ये आ गया x बराबर -2/2, x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ये रीड लेवल तक, यहां तक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं रीड लेवल में। आठ एक्स प्लस वन बराबर 64 हो तो 2x + 1 का मान याद कीजिए। तो ये बहुत इजी है, पहले देखो यहां 8 है या 64 है, 64 को यदि हम 8 × 8 कह सकते हैं, 8 × 8 8 × 64, इसका मतलब 8 की घात 2 हो सकती है, 8 की घात ये होगी x + 1, तो ये होगी 8 की घात 2। आधार समान हो तो घातें भी क्या होगी समान होगी, इसका मतलब x + 1 है वो किसके बराबर होगी 2 के बराबर होगी। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर एक का पक्षांतर 2 की तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं 3 का 3, और यहाँ देखो 2x का मतलब 2 × x की वैल्यू 1 है प्लस 1, तो 2 × 1 = 2 और प्लस 1 = 3, ये हो गया 3 की घात 3, 3 का मतलब होता है 27, 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है 27 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 × 1.3 × 4 × 0.6 × 16 × 0.2 = 2 क्या आएगी, वहां 2 की घात क्या आएगी, जहां आपको ये पूछे कि 2 की घात क्या आएगी तो उसकी घात आप x मान लो, क्या मान लो x मान लो, और याद रखना इसको इसको सब को क्या बनाना है 2 की घात बनानी है, 2 के रूप में बनाना है। 8 को यदि आप गुण खंड करते हो तो 2 × 2 × 2 2 के घातांक में क्या बनाएंगे 2 की घात 3 हो जाएगी, 8 का आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 3 लिख सकते हो, और ऊपर घात की इसकी 1.3। 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 2 लिख सकते हो, और ऊपर घात की थी 0.6। 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 4 लिख सकते हो, ऊपर घात की थी 0.2, और 2 की घात यहाँ आप RHS में क्या करोगे 2 की घात x, आपको पता नहीं है क्या है बात, तो x की वैल्यू आपको आधार देखो सबका सेम तो 2 का 2 लेगा, यहाँ देखो बातें गुणा में 3 × 1.3, तो 3 को 1.3 से गुणा करेंगे 3.2 हो जाएगी, प्लस सब बातें जुड़े कि आधार सेम है, तो यहाँ 2 को 0.6 को 1 से गुणा करेंगे 1.2 हो जाएगा, 4 को यदि हम 0.2 से गुणा करेंगे तो बातें कर देंगे 0.8 हो जाएगी, और बराबर में क्या 2 की घात है x, आधार समान था तब मैंने गुणा करके बातें जोड़ी, अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे 2 की घात क्या आ जाएगी 1.2 + 0.8 2 हो गई, 2 + 3.9 क्या होगी 5.2 हो गई, और यहाँ क्या होगी 2 की घात x। आधार समान हो, घातांक नियम में ये होता है जब आधार समान हो तो घातें भी समान होगी, तो आधार से हमको लेना देना नहीं है, घातें बराबर होगी, कब होगी जब आधार समान हो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमें x की वैल्यू निकालनी है, आधार से कोई लेना देना आधार बराबर छोड़ दिया उसको, x आधार समान हो घातें बराबर होगी, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5.9 की, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5.9 आएगी। अब जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे तभी मेरा ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अब ज्यादा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, ग्रीड पटवार के लिए यहाँ तक सही है। 1000 की घात 12 गुणा 10 की घात 30 का मान क्या और सरलीकरण करें, तो यहाँ 10 के रूप में यहाँ 10 है, इसका मतलब दोनों को सह आधार करना है, तो 10 जितनी जीरो होते हैं इसका मतलब उतनी ही घात हो जाएगी, कितने 10 की घात आपको जैसे 100 लिखा है इसका मतलब 10 की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 जीरो इसका मतलब 10 की घात 2 हो जाएगी, तो 10 की घात 3 और 12
तो बाघ 10 की घात है 30। यहाँ देखो बातें गुणा में है, फोर पावर इस कंपल के की घात एन गुणा ए की घात एन, ये फॉर्मूला कैसे बोलेगा, ए की घात एन गुणा एन के गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 36 और ये हो जाएंगे 10 की घात 30। आधार समान है, आधार 10 का 10, तो घातें बाघ में हैं तो घट जाएगी 10 की घात 6, एंसर क्या हो जाएगा 10 की घात 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। 3 की घात क्वेश्चन मार्क, फोर पावर क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या है आपको पता नहीं है, आपको फाइन क्यों है, और 19683 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ 19683 दिया, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको पता नहीं है इसका मतलब 3 की घात एक्स, और यहाँ पे भी आप एक्स मान लो, इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 की घात 9 आ जाएगी, 3 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा, कितनी बार आएगा 9 बार, आप करके देख सकते हो, आप बोलो तो टाइम में खराब कर सकता हूँ, आप अपने स्तर पर टाइम खराब करें अपना, आप टाइम खराब करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो x गुणा x, देखो एक फॉर्मूला था ए की घात m होल पावर n, ये फॉर्मूला था, इसको सोल्व कैसे करते थे, a का a आधार का घात m गुणा n, ये घातें गुणा हो जाती है, x गुणा x, x को x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2 हो जाएगी, वेरिएबल्स का गुणा क्या होता है, उसकी घातें गुणा, देखो x की घात a गुणा x की घात a, ये आधार घातांक नियम आपके हर जगह काम आएगा, पटवारी के लिए सिलेबस में नहीं है, बट आपको घातांक नियम आपको आना ही चाहिए, तभी आप उसके बीजीय व्यंजकों पर गुणा कर सकोगे, एक्स की घात आधार के समान है, एक घातें गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, एक और एक क्या होगी, एक घात हो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या 3 की घात 9, जब आधार समान हो तो घातें घातें क्या होती है, समान है, अब एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान 9 आए, तो हमें तो एक्स की वैल्यू तब फाइन करनी है, एक्स में 2 हटा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करते हैं एक्स आता है, और 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है, प्लस माइनस 3 होता है, हमें प्लस की वैल्यू देनी है, एक्स बराबर कितना आ गया 3, यहाँ भी 3 की घात 3 और यहाँ पे भी क्या होगा 3 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आर एस अग्रवाल की जो सारी ग्रुप की जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, कहीं पे भी कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, यदि एम और एन ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, पटवारी में भी काफ़ी बार आए हैं, एम तथा एन, एन ऐसे धनात्मक, ऐसे धन पूर्णांक है, कि एम की घात एन बराबर 25, तो एन एम क्या बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 25 एम की घात एन किसके इक्वल है, 25 के बराबर, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात, इसका मतलब आधार समान है, आधार भी समान है, एम का मान क्या हो गया 5 और एन का मान क्या हो गया, देखो एन कितना है 5, इसी बराबर है, घात भी समान होगी, एन का मान कितना है 2, आपको क्या पूछा था, एन की घात एन, एन क्या है 2, 2 की घात एन कितना है 5, 2 की घात 5 का मान होता है 32, तो एन एन की घात एन का मान क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितना इजी क्वेश्चन था, एक बार आया हुआ ये क्वेश्चन SSC में, यदि रूट 3 एन बराबर 81 को एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, इसे आपको क्या कहना, रूट की जब भी रूट लिखा हो या जिसे 3 दे रखा हो तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ रूट है, इसकी मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी, उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2, तो 3 का 3 लिखेंगे और n का n, देखो 3 का 3 लिखेंगे और n का n, 3 की घात n और घात क्या हो जाएगी, इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी, और बराबर 81 को 3 के आधार में लिखना है, जैसे 3 यहाँ आधार दे रहे हैं, 81 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो आपको कुछ तो याद ही होना चाहिए कि कैसे का मतलब क्या होता है। 27 का मतलब दिन की रात दो दिन होता है, 9 कैसे का मतलब दिन की रात 4, तो दिन की रात 4। यहाँ कितने एन को एक से गुणा किया, एन को बटा दो और बराबर 3। आधार समान को बाकी भी समान होगी, एन बटा दो आधार समान है तो हमें तो बाकी से मतलब 3 एन बटा दो बराबर उसकी बराबर 4 बटा में एक तो तीन सा गुणा दो, एन को एक से गुणा किया एन और 4 किया एन, 8। एन का मान क्या हो गया, 8 हो गया। एन का मान क्या हो गया, 8 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सेकंड वीडियो में डाल दूंगा मैं। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत ज़्यादा समझ में आया है और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए आप। जो बैंक SSC PO रीट ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो वीडियो था मेरा रीट और पटवार के लिए, अब जो सेकेंड वीडियो आएगा वो SSC बैंक और जो आपके CGL है, रेलवे है, पुलिस है, उनके लिए होगा। मोस्टली घातांक नियम है, घातांक के नियम है, ये वीडियो सबके काम आने वाला है क्योंकि मैथ्स में क्या होता है हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।